गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये जो वीडियो है ये सैटरडे की शाम से शुरू हो रहा है और हमेशा क्या होता है इवनिंग टाइम में सोसाइटी की कुछ लेडीज़ आती हैं नीचे और वो ना मतलब आपस में भजन कीर्तन करती रहती हैं, तो उनकी जो आवाज़ है ना वो ऊपर हमारे घर तक आती है। हमारा जो फ्लैट है वो 7th फ्लोर पे है, तो वहाँ तक जो है ना उनकी आवाज़ें आती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है देख के। यहाँ पर जो है मैं इवनिंग की चाय बना रही हूँ और आज मैं पीऊँगी ब्लैक टी विद लेमन। तो इससे एक दिन पहले मैंने ये वाली चाय ट्राई की थी और ये चाय मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी रिफ़्रेशिंग चाय थी ना ये, कि अभी ना शाम को ये मेरी फेवरेट बन गई है। इसको पीते ही ना एकदम से ताजगी आ जाती है और एनर्जी तो पूछिए ही मत। और कहते हैं कि जो ब्लैक टी होती है वैसे भी अच्छी होती है हेल्थ के लिए, लेकिन अगर आप उसमें मीठा ना डालें तो, लेकिन बिना मीठे की चाय मुझसे पी नहीं जाएगी, इसलिए हल्की फुल्की चीनी मैं उसमें यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पर ये जो कुछ करेले हैं मैंने सुबह कट करके रखे थे, इसमें नमक मिला के रखा था और अभी जो है ना देखिए इसमें से जितना भी कड़वापन है वो सारा निकल चुका है। अभी इन करेलों को मैं बहुत अच्छे से धो लूँगी और साथ ही साथ जो इनके बीज हैं वो भी मैंने जो है अलग से रखे थे निकाल के, उसमें भी नमक मिला के रखा था, तो उनको भी अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी। आज जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ भरवा करेले की रेसिपी। ये करेले मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं और मेरी मम्मी के हाथ के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो मम्मी यहाँ पर है नहीं, तो फ़िलहाल मुझे ही बनाने पड़ेंगे। तो मैं भी बिल्कुल मम्मी की तरह ही बनाने वाली हूँ। और मेरी मम्मी ने ना मुझे बहुत इजी टेक्निक बताई थी करेले बनाने की। तो वैसे क्या होता है ना, नॉर्मली हम लोग करेले को पहले भरते हैं, उसके बाद उसको फ्राई करते हैं, तो उसमें से ना मसाला निकल जाता है, ऊपर से बांधने की जो आफत होती है वो अलग। लेकिन मम्मी ने इतनी बढ़िया टेक्निक बताई कि करेले बनाने अभी हो गए हैं बहुत ज़्यादा ईजी और बांधने की उनको झंझट भी नहीं होती है। फ़िलहाल यहाँ पर मैं जो भरवा करेले का मसाला होता है वो रेडी कर रही हूँ और जो करेले मैंने धोए थे थोड़ी देर मैंने उनको हवा में रख दिया है फ़ैन के नीचे ताकि वो सूख जाए। तब तक यहाँ पर करेलों का जो मसाला है वो तैयार हो जाएगा। जितने भी बीज मैंने वॉश किए थे वो सारे ले लिए हैं। इसमें मैं 2 प्याज डाल रही हूँ, साथ में लहसुन ऐड करूँगी, हरी मिर्ची और अदरक, ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी और इसका एक बारीक पेस्ट बन के तैयार होगा। अगर आप चाहते हैं तो आप इसके बीजों को अवॉइड कर सकते हैं, करेले का ऊपर का जो छिलका मैं यूज़ कर रही हूँ आप उसको भी अवॉइड कर सकते हैं, सिर्फ मसाला जो है प्याज का भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये जो बीजों का टेस्ट होता है ना ये अच्छा लगता है, इसीलिए मैं डाल रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने सारा जो मसाला है वो पीस लिया है। अब क्या करना है कि हम लोग करेलों को पहले फ्राई करेंगे। तो ये जो कढ़ाई है ना इसमें तेल बचा हुआ था, मैंने मॉर्निंग में पूरियाँ बनाई थी बच्चों के लिए, तो बस वही वाला ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। आयरन की कढ़ाई मैंने इसलिए ली है क्योंकि थोड़ी सी बड़ी होती है और एक बार में मतलब 4-5 करेले इजीली आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले जो करेले हैं ना उनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये जो टेक्निक है ना ये ना मैंने अपनी मम्मी से सीखी थी। मैं भरवा करेले इसीलिए नहीं बनाती थी क्योंकि मुझे उनको बांधने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो जब से मम्मी ने ये सिखाया है ना तब से काफ़ी ईजी हो गई हैं चीज़ें। देखिए एक बैच जो है वो अच्छे से ब्राउन हो गया है, मैंने इसको निकाल लिया है और अभी जो है दूसरा बैच जो है उसमें भी करीब इतने ही करेले हैं, वो मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। तो यहाँ पर जो हमारा पहला मेन काम है करेलों को फ्राई करना वो निपट जाएगा। उसके बाद जो मसाला है हम उसको अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए सारे करेले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। एक्स्ट्रा ऑयल है कढ़ाई में तो इसको मैं निकाल लूँगी अलग से, जो बर्नी रखी है ना सामने वो इसीलिए ही मैंने रखी थी, इसमें जो है एक्स्ट्रा का ऑयल मैं निकाल लूँगी, ये फिर बाद में मेरे काम आएगा। और अब इसमें भूनते हैं मसाला। सबसे पहले इसमें जीरा और हींग ऐड कर रही हूँ मैं, तेल गर्म ही था तो फटाफट से मैंने डाल दिया। और अभी ये देखिए ये जो पेस्ट बन के तैयार है ये इसमें ऐड कर देंगे। हरा आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि करेले बहुत ज़्यादा हरे थे, उनके छिलके भी काफ़ी ज़्यादा हरे थे, तो इसीलिए जो है ये जो कलर है हरा है। लेकिन अभी क्या होगा ना कि जैसे जैसे ये भुनेगा तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम इसमें जो नॉर्मल ड्राई मसाले होते हैं वो ऐड करेंगे, तो नमक, मिर्च, हल्दी हल्की सी और धनिया पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसी में यहाँ पर आप आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं खटाई के लिए। तो मेरे पास तो आमचूर पाउडर था नहीं तो मैंने आम के अचार का मसाला लिया है और इसको इसमें ऐड कर दिया है। ये भी मेरी मम्मी ही किया करती हैं तो मैं भी वही कर रही हूँ। आप चाहें तो नींबू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो आम के अचार का मसाले का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा आता है।
यहाँ पर देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, और मसाले भुनने की पहचान यही है कि कलर चेंज हो जाएगा और सारा मसाला जो है ना वो कढ़ाई छोड़ देगा। अब बारी आती है इस मसाले को करेलों में भरने की। तो देखिए यहाँ पर हमारा 90% काम जो है वो हो चुका है, करेले भी फ्राई हो चुके हैं, मसाला भुन चुका है, बस इसको इसमें भरना है, जो कि बहुत इजी काम होता है। सारे करेलों को ना एक एक करके मैं इस तरीके से जो है भर लूँगी। और अभी लास्ट काम क्या रहेगा मेरा कि बस इसको आधे मिनट के लिए हमें और पकाना है। हालांकि पक चुके हैं लेकिन थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, तो बस उसी कढ़ाई में इस करेलों को जो है रख लेंगे। तेल गैस की जो आंच है ना वो बिल्कुल धीमी रखेंगे और ऊपर से इसको कवर कर देंगे आधे मिनट के लिए। जो मसाला बच गया था वो भी मैंने करेलों के ऊपर ही डाल दिया है, और यहाँ पर हमारे भरवा करेले बनके बिल्कुल तैयार है। क्योंकि आज करेले बने थे ना, इस वजह से बच्चों का मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया था कि आपने करेले बनाए हैं, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को करेला पसंद नहीं होता है। तो करेले मैंने इसीलिए बनाए थे क्योंकि मेरे पास दोपहर की जो दाल थी वो रखी हुई थी, अरहर की दाल, तो बच्चों ने उसी के साथ ही रोटी खाई थी। यहाँ पर ना ये कुछ किचन के जो डस्टर वगैरह होते मैंने वॉश किए थे, जो कि बहुत अच्छे से जो है सूख चुके हैं, तो बस यहाँ पर जो है मैंने इनको फोल्ड करके और रख लिया है इनकी जगह पे, और सेक रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। बहुत ज़्यादा रोटी मुझे नहीं बनानी है क्योंकि थोड़े बहुत चावल भी बचे हुए हैं, तो बस थोड़े से दाल, थोड़े से चावल, साथ में रोटी और करेलों की सब्ज़ी, यह है हमारा आज का डिनर। पर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब कि संडे की मॉर्निंग है। बहुत अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, 9:30-10 का ये टाइम होगा। संडे का दिन था तो हम सभी लोग जो है सो के लेट उठे थे, और देखिए इसका तो उठने का मन ही नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले जो है मैं ये जो रूम है ना इसको ठीक करूँगी, उसके बाद मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। आज विदांश ने बोला था कि मुझे पास्ता खाना है, तो बस उसके लिए पास्ता जो है वो मैंने ऑर्डर करा दिया है, मतलब कि ब्लिंकिट से ना पास्ता मंगवाया है। अभी जब तक आएगा तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना थोड़ा सा रूम वगैरह ठीक ठाक कर लूँ, बाकी की क्लीनिंग जो है मैं नाश्ता बनाने के बाद करूँगी। तो ये मोटी मोटी सी जो सफाई होती है स्टार्टिंग की वो मैं कर लूँगी, तो इससे काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि जो मेन चीज़ हमें ख़राब दिखती है वो हमारी बेडशीट वगैरह ही होती है, ब्लैंकेट्स जो होते हैं वो फैले हुए होते हैं, तो घर ना बहुत ज़्यादा मैसी लगता है। लेकिन एक बार इनको ठीक कर लो तो घर भी जो है ठीक लगने लगता है। जब तक मैं रूम ठीक ठाक कर रही थी, इतनी देर में यहाँ पर जो है ब्लिंकिट से मैंने पास्ता मंगाया था वो भी आ चुका है। तो मैंने ना एक तो मैक्रोनी का पैकेट मंगाया था और एक जो पास्ता होता है ना दूसरा वो मंगवाया था, तो इन दोनों को ही मैं मिक्स करूँगी। काफ़ी बड़े बड़े पैकेट आ गए थे तो मैंने बड़े वाले बॉक्स में इसको रख लिया है, और देखिए दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, क्योंकि अब जब भी पास्ता बनाऊँगी तो दोनों मिक्स पास्ता बनेंगे, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है और बस उसमें मैं पास्ता निकाल रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और पास्ते को मैं इसी तरीके से बॉईल करती हूँ। ये बहुत इजी होता है और बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होता है, मतलब कि एकदम से हो जाता है काम, पता नहीं चलता है। मैंने पानी डाल लिया है, तेल डाल लिया है, प्रेशर कुकर की लिड लगा दी है, और बस अभी इसको गैस पे चढ़ा देंगे। सीटी नहीं आने देना है, लेकिन जैसे ही सीटी लगने वाली होती है पता लग जाता है ना कि प्रेशर कुकर में प्रेशर बनने लगा है, बस उसी टाइम पे हमको जो गैस है वो बंद कर देना है, क्योंकि अगर आप सीटी लगवा देंगे तो ये पास्ते की खिचड़ी बन जाएगी। तो इसीलिए ये चीज़ का ध्यान रखना है। और इस बीच जो है मैंने पास्ते के मसाले तैयार कर लिए हैं, जिसमें कि मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, सारी चीज़ें जो है वो पीस ली हैं एक साथ। तो मैं इसी तरीके से ही पास्ता बनाती हूँ अपना इंडियन स्टाइल। तो प्लीज़ आप लोग जज मत करना, क्योंकि फिर से कमेंट्स आएंगे पास्ता ऐसे नहीं बनता है, वैसे नहीं बनता है। हर किसी का ना अपना तरीका होता है, जैसे भी बच्चे खा ले, हर माँ सोचती है बस बच्चा खा ले किसी भी तरीके से, तो हर किसी का अपना तरीका होता है, मेरा यही तरीका है। पास्ता बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है, मैंने आयरन की कढ़ाई ली है, उसमें थोड़े से लहसुन की कलियाँ कट कर दी थी और साथ में एक प्याज उसका तड़का लगाया है, और उसके बाद जो हमने मसाला पीस के रखा था ना वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और सारे जो ड्राई मसाले होते हैं वो भी इसमें ऐड करूँगी, और इन्हें अच्छे से भूनना है जब तक कि ये मसाला है इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। हक्के भून रही थी तो बहुत जल्दी मसाला भून गया, और अब इसमें ऐड कर देंगे पास्ता, और देखिए कितने अच्छे से जो है पास्ता बॉईल हुआ है।
ना तो बहुत ज़्यादा बॉयल हुआ है ना बहुत कम, जितना होना चाहिए। और बस अभी जो है इसमें मैंने 2-3 पैकेट जो ऑरिगेनो के थे जो कि पिज़्ज़ा में फ्री मिलते हैं वो भी ऐड कर दिए हैं। और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, 1-2 मिनट तक पकाएंगे और पास्ता बनके हो जाएगा बिल्कुल तैयार। तो संडे स्पेशल नाश्ता कैसी हो रही है? अच्छी होती है, मैं तो अच्छी बनाती हूँ ना हमेशा। पंखा चला दूँ? चलो भैया पंखा चला देते जरा। ओहो चलो खा लो फिर। हमारे घर में ना पास्ता सिर्फ वेदांश को अच्छा लगता है, मैं भी खा लेती हूँ, उसके पापा भी खा लेते, लेकिन वंशिका नहीं खाती है। तो उसने ना अपने लिए मैगी बनाई थी। तो बस नाश्ता वगैरह कराने के बाद अब बारी आती है क्लीनिंग की। एक कमेंट आया था जिसमें वो पूछ रही थी कि दी आप डस्टिंग क्या डेली करते हो? तो जी हाँ, घर की डस्टिंग जो है मोटी मोटी सी डस्टिंग वो डेली ही करनी होती है। जैसे कि ये आपका डाइनिंग टेबल वगैरह क्लीन कर दिया, पूरे ड्राइंग रूम की डस्टिंग, क्योंकि अगर एक भी दिन छोड़ दो ना तो इसमें धूल आ जाती है और जो धूल है ना वो बैल्कनी से आती है। तो जैसे दरवाजे वगैरह हैं वो तो डेली नहीं साफ़ होते हैं, जो ये बैल्कनी वगैरह के जो दरवाजे हैं वो तो महीने में ही एक बार साफ होंगे, लेकिन हाँ जो अंदर की डस्टिंग है चीज़ों की वो जो है मुझे डेली ही करनी होती है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने झाड़ू लगा लिया था पहले ही, और अब उसके बाद जो है मैंने डस्टिंग कर ली है पूरे घर की अच्छे से। अगर आप डेली डस्टिंग कर रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी फिर टिकती नहीं है तो घर साफ़ ही लगता है, इसीलिए जितना हो सके डेली जो है डस्टिंग कर देनी चाहिए। हालांकि मुझे पता है हर हाउस वाइफ डेली डस्टिंग करती है, बट जो नहीं कर पाते हैं उनको भी बोलूँगी कि जब भी टाइम लगे तो ज़रूर कर देना चाहिए, तो थोड़ा सा खुद के लिए ही इजी होता है। तो बस यहाँ पर जो है पूरे घर की डस्टिंग हो गई है, अब मैजिक मॉप से फटाफट से पूरे घर में मॉप का जादू चला देते हैं पूरे। अभी फ़िलहाल मेरा न्यू मॉप है ना तो पोछा बहुत अच्छा लगता है इससे, और फटाफट से भी लग जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, फर्श भी एकदम चमक जाता है, आप देख ही सकते हैं। तो बस पूरे घर में पोछा लगाऊंगी मैं, और इसी के साथ मतलब कि संडे क्लीनिंग के साथ ही मैं अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूंगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।